हम लोग पहुंच चुके हैं साहिला और बियर 650 का लॉन्च होने वाला है अभी थोड़ी देर में, तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए तैयारी चल रहा है और अंदर में बाइक ढका हुआ है। देखिए ये रहा, thank you. I did check
thank you to all my customers who are the team members and you guys are always inspiring us to do better. Definitely we will keep on doing better. So thank you for coming. And most probably we are coming up with another lunch in another 20 days. So we will meet you again here. So thank you. Thanks a lot. आज के लिए तो लॉन्च प्रोग्राम हो चुका है, तो अभी हम लोग निकलेंगे राइड के लिए। लेट्स गो। रेडी हैं? अभी निकलेंगे राइड के लिए और बाइक का जो डिटेल्स है वो मैं दूसरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं राइड पे। व्यूअर्स, तो आज है सेकेंड डे और मैं आ चुका हूँ साहिला एक्सपेडिशन में तो शूट द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आप लोग को तो साथ में ही दिखेगा, बट आज सेकेंड डे है, मंडे है। तो चलिए अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को डिटेल्स बियर 650 का। ये जो वेरिएंस है इसका जो प्राइस है ये आप देख सकते हैं ऊपर में है। जो पेट्रोल ग्रीन कलर है उसका प्राइस है 4,975,000 एंड ये कलर काफ़ी सुंदर है। इसका है, इसका भी सेम प्राइस है 4,975,000। यह है गोल्डन शेडो, हम लोग का शोरूम में अभी यही कलर है। इसका 4,08,747। 249 काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक्स है। इसका है आपका 4,17,629। ब्रॉड वॉक वाइट, इसका 3,97,423। इसका प्राइस सबसे कम है, ये बेस्ट वेरिएंट है। तो यही था पांच कलर्स। तो अभी इसका फीचर्स वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो व्यूअर्स, हम लोग के पास है गोल्डन शेडो। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है बाइक। इसका नाम रखा है एक्चुअली, देखिए व्यूअर्स, इंटरसेप्टर बियर 650। बट इसका जो इंजन है वो इंटरसेप्टर से काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ट्यून्ड किया हुआ है इंजन। और इसका सबसे मज़ेदार चीज़ जो है, आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट है वो बाकी 650 से थोड़ा हटके है, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है। और ये बाइक आपका अपसाइड डाउन फोक्स के साथ आता है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इस वेरिएंट के साथ यहाँ पे गोल्डन फिनिश दिया गया है। इसका जो इंडिकेटर है आपका हिमालयन वाला इंडिकेटर, हेडलैम्प आपका एलईडी, इसका भी लीवर जो सब है, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, सारे आपका एडजस्टेबल लीवर्स है। और जो टेल लैम्प दिया है वो भी काफ़ी यूनिक सा लग रहा है मुझे। ये आपका एकदम नया फ्रेश बैकलाइट दिया है रॉयल एनफील्ड ने इस वेरिएंट के साथ, जो कि काफ़ी क्लासी लग रहा है।
विद दिस एलईडी इंडिकेटर्स। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इसका जो मीटर कंसोल है, देखिए पहले बैजिंग आ जाता है इंटरसेप्टर बियर 650 का, और इसका जो मीटर है वो सिमिलर टू द हिमालयन 450 जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसका जो मीटर कंसोल है सिमिलर टू द हिमालयन 450। यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आप अप डाउन करेंगे तो ये भी आएगा। इसमें आपका फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, ये सब आ जाता है यहाँ पे। और ये वाला जो स्विच है ये बैक वाला स्विच है, इसे कि आप बैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपका आप अगर स्विच को लेफ्ट में लेंगे तो यहाँ पे अपीयरेंस, ट्रिप प्रेफरेंस, माय व्हीकल, सिस्टम इंफॉर्मेशन, फेवरेट्स, इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन आ जाता है। बट इसमें अभी मोड का कोई वो नहीं है, मोड नहीं मिलेगा आपको, रॉ है। तो ओवरऑल मीटर कंसोल भी काफ़ी क्लासी लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। टायर्स इसका जो टायर फ्रंट का दिया है सेमी ऑफ रोडिंग में दिया है टायर। टायर का जो साइज़ दिया है वो है 190/19 इंच का टायर दिया है यहाँ पे विथ स्पोक व्हील्स। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं रेयर में जो टायर दिया है वो है आपका 140/80/17 विथ स्पोक व्हील, ड्यूअल डिस्क ब्रेक विथ ABS। और ओवरऑल ये भी आपका सिमिलर ऑयल कूल है, सो काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये मुझे लगा, ये रेक्टिफायर है जो चार्जर है, चार्जर यहाँ पे दिया गया है, ये उतना अच्छा स्पेस मुझे नहीं लगा। नीचे में आपका ऑयल फिल्टर दिया गया है, बट यहाँ पे अगर आप एक बैश प्लेट लगाओगे तो ये सेफ हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जॉस्ट है वो काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है, देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ से आपका दोनों जो बेंट पाइप है वो आके सिंगल पाइप से सिंगल एग्जॉस्ट, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो इसका जो फ्रंट डिस्क देख रहे हैं वो आपका है 320 mm, और बियर 650 का रियर डिस्क जो है वो आपका है 270 mm। इसका फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल है 130 mm, एंड इसका रियर सस्पेंशन का ट्रैवल है 115 mm। सो व्यूअर्स इसका अभी थोड़ा इंजन का बात करते हैं, ये मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है वो है 47.4 PS, और जो मैक्सिमम टॉर्क है इसका वो है 56.5 Nm, जो कि इंटरसेप्टर से थोड़ा ज़्यादा है। सो व्यूअर्स इसका जो कार्ब वेट आता है वो है 216 kg, 216 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका 13.7 L है, और ओवरऑल ठीक ही है बाइक, और थोड़ा क्लासी भी है, थोड़ा हटके भी है, देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है इस बाइक को। और ऑब्वियसली इंटरसेप्टर से इसका पावर थोड़ा ज़्यादा है। सो ये वाला जो बाइक है व्यूअर्स, ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है विथ स्विचेबल ABS। इसका जो रेयर ABS है उसको आप ऑफ कर सकते हो, और इसका मीटर कंसोल जो है उस पर भी आप फुल नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हो। सो ओवरऑल पैकेज दिया है इस बार रॉयल एनफील्ड ने, तो आप लोग आ सकते हो और इस बाइक को देख सकते हो। होप करता हूँ अच्छा लगेगा आप लोगों को। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। गुड बाय।